हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। देखिए बेटा, प्लेनो सिमेट्री पूछा गया और सेंट्रो सिमेट्री पूछा गया है। तो प्लेनो सिमेट्री का मतलब होता है बेटा कि ऐसा प्लेन डालूं ग्रुप एटम मॉलिक्यूल में कि जैसे मान लीजिए मैं बीच में से प्लेन डाल लूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे की मेरे इमेज बननी चाहिए। अगर बनती है तो प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट होती है। सेंट्रो सिमेट्री का मतलब होता है बेटा सेंटर से कोई दो अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर अगर मुझे सेम ग्रुप मिलता है तो बेटा सेंट्रो सिमेट्री प्रेजेंट है। पर ध्यान रखना बेटा, हर डायरेक्शन में वैसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं केवल एक डायरेक्शन से काम चल जाएगा। जिस साइड भी जाओगे बेटा हमें सेम चीज मिलनी चाहिए दो अपोजिट डायरेक्शन में। अगर प्लेनो सिमेट्री की बात करो बेटा, इसमें तो आपको कहीं से प्लेनो सिमेट्री नहीं डाल दिखेगी, क्योंकि ऐसे डाल दोगे तो ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ऐसे कर दोगे तो इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो इस कंपाउंड में बेटा प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है कहीं से भी। पर आप ध्यान से देखें सेंट्रो सिमेट्री को, क्या यहाँ सेंट्रो सिमेट्री प्रेजेंट है? तो यहाँ सेंट्रो सिमेट्री साफ दिखाई दे रही है बेटा। कैसे? सेंटर का है कंपाउंड का, यहाँ होगा मॉलिक्यूल का, तो इस साइड गया बेटा मैं तो कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कार्बन दो हाइड्रोजन लगे साइड सेम। इस साइड गया बेटा तो एक, इस साइड गया तो ये ऐसे देखा जाए तो ऐसे खाली है। अगर मैं ऊपर भी ले जाऊँ इसको इस तरीके से, तो यहाँ हाइड्रोजन, नीचे की तरफ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरिन, यहाँ क्लोरिन, ठीक है। कहीं से ले जाओ बेटा हमें क्या दिखाई दे रही है, हर तरफ से मेरा सेम एड ग्रुप, यहाँ बॉन्ड मिल रहा है तो ये भी बैक साइड भी बॉन्ड मिल रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सेंट्रो सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि सेंटर से मैं कोई दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरे को दोनों तरफ सेम एटम्स मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।